एक डेविल के लिए मैंने 4 बॉयल किए हुए अंडे लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैं इस तरह से बीच से कट करूंगी, इस तरह अंडे को मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया है। इसमें मैंने बड़े साइज के 6 आलू लिए हैं। इसे अंडे को चारों तरफ से रैप करना है, इसलिए इसमें आलू थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम आलू में मसाला मिलाएंगे, नमक, छोला मसाला 2 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला, जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता और नमक। ठीक से बोल, इसे हम आलू में मिक्स करेंगे इस तरह से। सारे मसाले को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है। मैंने करीब 1 प्लेट में 1 कप ब्रेड क्रम्स लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने हाफ अंडा लिया, इसे इस तरह से अच्छी तरह से आलू से रैप करना है इस तरह से। अंडा अच्छी तरह से इस तरह से हम इसे रैप करेंगे। पूरा कवर हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से रैप करेंगे इस तरह से। इसे अच्छी तरह से लपेटना है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा दोनों को हम मिक्स कर लिए हैं और इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे इस तरह से करके। मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे लेंगे और इसे डिप करेंगे इस तरह से। डिप करके इसे फिर से हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ये डबल कोटिंग होगा इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से सारे अंडों को हम कर लेंगे। और इस तरह से मैंने सारे अंडों को ब्रेड क्रम्स में डबल कोटिंग कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। आंच को मीडियम पे रखना है। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप जो भी खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक साथ 2 इसे फ्राई करेंगे। इसे हम इस तरह से पलट करके फ्राई करेंगे। इसे मैंने हाफ फ्राई किया है, इसे 5 मिनट के बाद फिर से फ्राई करना है। एक डेविल बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।